राष्ट्रीय किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी अंबेडकर चौक पर जारी रहा। इस क्रम में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की मांगों का समर्थन किया गया और सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। बताया गया कि कृषि सुधार कानून से पूंजीपतियों को अनाजों की जमाखोरी करने की खुली छूट मिल जाएगी, जिसका असर किसानों के साथ साथ आम लोगों पर भी पड़ेगा। बताया गया कि नए कानून में किसानों के फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं दी गई है, जिससे पूरे देश के किसानों में आक्रोश है और उसी कानून के विरोध में राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने साप्ताहिक धरना देने का फैसला किया था। उसी कड़ी में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर जिला प्रभारी ओम प्रकाश महतो, महेंद्र रजक, मुख्तार अंसारी, महेंद्र नाथ, रितलाल प्रसाद वर्मा, प्रवीण कुमार, डॉक्टर राजकुमार दास, प्रेमराज हेम्ब्रम, अर्जुन बैठा, बद्री रजक आदि लोग मौजूद रहे। किसान बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। किसान विरोधी बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। काला कानून वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कानून। किसान विरोधी बिल जो सरकार ने लाई है, इसको ये जो तीनों बिल है इसको खारिज करवाने के लिए जो पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर विभिन्न जगहों पर जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए हम लोग जिले में 7 दिन के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित है और पूरे भारत के 550 जिलों में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित है और आगे भी हम लोगों को जिस तरह से दिशा निर्देश मिलेगा हम लोग आगे भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जब तक ये बिल वापसी नहीं होता है तब तक हम लोग आंदोलन में लगे रहेंगे और ये जो अभी हम लोगों का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, ये श्रृंखलाबद्ध ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है और ये 17 तारीख तक चलेगा। 17 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे इसी सर को राष्ट्रपति के नाम से और इसके बाद उस दिन ये समापन होगा। फिर आगे जो आएगा रणनीति बनेगा उसके हिसाब से हम लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग सारी बहुजन मुक्ति पार्टी जिला गेट ये किसान विरोधी जो कानून बना है इसके विरोध में जो देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के तहत अंबेडकर चौक गेट में जिस तरह से पूरे देश के 550 जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन का बहुजन मुक्ति पार्टी जाहिर समर्थन करती है और उसी के समर्थन में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें सहभागी बने हुए हैं।